अर्गति घर में व्यक्त है, बस बच्चे खर्चे चला रहे हैं मेरे। शराब पीता है? दारू पीता है, और कुछ भी खेलता है, यहाँ घर में खिलाता है, घर में दारू पिलाता है, बुला बुला के। नहीं दारू पी के ये नाक क्यों काटी थी? अभी क्या हुआ था? पी के आया बस। हाँ। पी के आया तो मैंने खाना निकाल लिया, तो बस खाना वाना तो खाया नहीं, और गाली गुल्ला देने लगा और मारने लगा। तो मैं इनके कमरे में आके बैठ गई, जी मेरे को अपने कमरे में ले आए, इनने मेरे को अपने कमरे में बैठा लिया, और इधर भी आ गए, इसने मेरे को पटक ली। मैंने बोला इनकी मैं मेरे दो बच्चों को फोन लगा दूँ, मेरे दो बच्चे आ जाने दो, तेरी बात करी हो। सो बस एक में कहने लगा कि तेरी गाली गुल्ला दे के ना, बस माने मेरे पे चढ़ बैठा, मेरे को पटक ली और मेरे के गेट को पकड़ा मेरा उसने, और बस दो हाथ मेरे दबा लिए और मुंह से मेरी नाक पकड़ ली, मैं चिल्ला रही थी। तो नाक काट ली? हाँ। क्या? दांतों से मेरी नाक कतल ली, अलग कर दी, बिल्कुल अलग कर दिए। कल दिनांक 21/17 की रात को 10:30 बजे करीब महिला चंद्रा साख की पत्नी सुभाष साख निवासी जगनापुरा ने रिपोर्ट की थी कि मेरे पति द्वारा मेरी मार पीटी गई और अपने दांतों से मेरी नाक काट ली, जिसमें से उसके खिलाफ अपराध का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। पति भज गया घर से। नहीं, ऐसा कहना गलत है, अलग से नहीं कटी, वैसे दांतों से कटी है। नहीं, ऐसा कहना गलत है, ऐसा कुछ नहीं।